नमस्ते, हेलो जी, मैं हूं प्रोफेसर विनोद खन्ना और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी बीवी हैं सोनू, और अभी फोन पे मेरे लिए शॉपिंग कर रही हैं। क्या है कि हमारी ना एनिवर्सरी आने वाली है, बड़ा प्यार करती हैं जी मुझे। घबराए, हाय, बिल्कुल करेक्ट तारे लग गए हैं, बाय गॉड। तूने फोन किया था देवी माँ को, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ देवलोक में भी कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो कॉल तुम देवी माँ को लगा रहे थे, लेकिन फोन मुझे लग गया और मैं आ गई हूँ। गो, अब ओके फाइन गो के तीन चार अलग अलग मतलब निकलते हैं, तो अब किस तरह से ओके फाइन बोल रही है? वो खुशी खुशी बोल रही, ठीक है जाओ, कि वो दुख में बोल रही है। सुनना चाहिए कि नहीं? अब उसे टेक्स्ट मैसेज किया, अब बीवी ने कहा SMS आया और तुमने टोन नहीं समझी, अब मैसेज में तुम कैसे समझोगे? यही है हर मर्द का दर्द। देखिए, मैं एज एन औरत आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जब बेटियां बड़ी हुई रियल लाइफ में, तो मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि अ वुमन शुड ऑलवेज बी अ मिस्ट्री, ताकि एक मर्द का उसमें इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, वो हमेशा ये सोचता रहे कि ये क्या है। तो ये ही है मुद्दा इसका। इंग्लिश तो सुधारी नहीं है और दूसरों के मजे लेने लगी है। सी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं और दादी बहुत सेल्फीज क्लिक करते रहते हैं। तू मत बोल, ठीक है, तुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे रैप बनाऊंगा ना बेटा तेरे ऊपर, शक्ल दे। तो कितना पिटेगा फिर? इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिल्कुल तंग आके, क्योंकि इसका दिल बहुत सच्चा और अच्छा है, ये मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, देवी माँ को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ आके मेरी मदद करो, मुझे औरतें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं, इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड है मामला, और अगर आप इतनी बिजी हो तो अपनी किसी अप्सरा को तो भेज दो। कभी कभी बहुत अच्छी बात भी, प्यार भी दिखता है, कभी कभी तकरार दिखती है, तो इट्स नॉट कि बस दर्द ही दर्द, बट ये कि बस नोक झोंक है जो होती है। अब इसका थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि ये और जी हाँ, जैसे छोले कुलचे, कुछ लोगों की मुसीबत होती है कि जिंदगी में सब कुछ बन जाता है, लेकिन शादी में जो छोले कुलचे नहीं मिले वो आखिरी दम तक उनके साथ रहते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी चीज़ें जो हैं वो आपस में हम शेयर करते हैं। लेकिन सही बात है, एक तो हास्य कवि, दूसरा शादीशुदा, तो मेरे दर्द को आप समझ सकते हैं, तो वही मर्द का दर्द जो है वो ये लोग दिखा रहे हैं विद देयर ग्रेट एक्टर्स एंड ग्रेट टीम। थैंक यू सो मच, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द शो।